मैं मनमोहन तिवारी और आज हम आपको दिखाएंगे अंधविश्वास की बड़ी तस्वीर। जी हाँ, मैं तो अंधविश्वास कह रहा हूँ क्योंकि ये एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है, लेकिन जो भक्त हैं मेरी बात का बुरा ना माने, ये आस्था का विषय है और आस्था के लिए जो भीड़ लगी हुई है यहाँ मंदिरों में वो देखने लायक है। जी हाँ, पिछले 3 घंटे से लगातार ग्राम पंचायत चफरिया के मनोज जायसवाल जी की मेडिकल के सामने शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर आपको दिखा दें लोगों की भीड़ लगी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जो यहाँ पर नंदी बाबा को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं, दूध पिलाने पिला रहे हैं। आपको हम बता दें, ऐसा इन लोगों का मानना है कि भगवान स्वयं नंदी बाबा स्वयं दूध पी रहे हैं, लेकिन गर्मियों के सीजन में वैक्यूम के कारण जब मूर्तियों में थोड़ा सा दरारें पड़ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी छिद्र आ जाते हैं, तो वह पानी पीना या दूध पीना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आस्था का विषय है तो हम इसे नकार नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएंगे कितने श्रद्धालु हैं। जरा भैया पास में आइए, ये देखिए, ये नंदी बाबा को बच्चे दूध पिला रहे हैं। बड़ा विषय है, यहाँ पर दोपहर के समय में इतनी भीड़ थी कि निकलना मुश्किल हो जाता। इस वजह से मुझे आज इतने समय आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि उस समय यहाँ मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मैं जा नहीं पाता। लेकिन जहाँ एक श्रद्धा का विषय है, वहाँ एक साइंटिफिक सॉल्यूशन भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो आस्था के लिए लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने दूध पिलाया। देखो भैया है, भैया से बात करेंगे। भैया, आपने पानी पिलाया? हाँ, तो पिया उन्होंने? जी बिल्कुल। तो आप इसको क्या मानेंगे, साइंटिफिक सॉल्यूशन मानेंगे या इसको विश्वास आस्था का? आस्था है, विश्वास है। आस्था विश्वास है, यानी ये सही है कि भगवान पीते हाँ, हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये पढ़े लिखे नौजवान है जो मानते हैं कि ईश्वर दूध पीते हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था का विषय है और सत्यता भी है कि दूध पीते हैं, क्योंकि लोटा लोग ला करके आगे चिम्बस से रखते हैं, वो पीते चले जाते हैं। तो भैया खड़े, भैया से बात करेंगे। अच्छा भैया, सही है, हम नहीं पिलाए हैं। तो आपने नहीं पिलाया? हम बटही के हैं। अच्छा, लोगों का मानना है कि प्रभु दूध पीते हैं, तो क्या ये बात सही है? सही है, सही है, बिल्कुल। यानी आप मानते हैं आस्था है? हम मानते हैं। तो जो दूध पिला रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जरा यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। कितने लोगों ने दूध पिलाया है, पीते हैं? यहाँ आ जाइए, डरिए नहीं, आ जाइए। आपने दूध पिलाया? अभी नहीं पिलाया, पिलाएंगे। अच्छा, दूध पीते हैं? आपने देखा दूध पीते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर दूध पिलाने का लगातार सिलसिला चल रहा है। और ये अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप आस्था का विषय मानते हैं या इसे साइंटिफिक सॉल्यूशन मानते हैं, ये आप पर निर्भर है। मंदिर के बाहर ये बाबा जी हैं जो दुकान लगा के बैठे हैं, हम बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। 1000 आदमी लगभग पिला चुका पानी, अभी भीड़ लगी बहुत ज़्यादा। 1000 आदमी पिला चुका? हाँ, 1000 आदमी पिला चुका। और पीते भी हैं? पीते भी हैं। देखा आपने? हाँ। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस की वजह से पीते हैं, तो क्या साइंस की वजह से पीते हैं या भगवान पीते हैं? भगवान पीते हैं, यानी इस चीज़ को आप मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं। तो ये देख लीजिए, बुजुर्ग हैं और भगवान में आस्था रखते हैं, इस वजह से इनका जो कथन है कहीं ना कहीं वो भी सत्य है कि 1000 लोग लगातार आए और दूध पे दूध पिलाते जा रहे हैं, नंदी जी पीते जा रहे हैं। बाबा जी, आप कितने साल के हैं? हम 72 साल। अच्छा, तो बाबा जी कहाँ के निवासी हैं? चफरिया बाजार के। तो ये मंदिर कितना पुराना होगा? लगभग पिछले तो 30 साल तो हो गए होंगे इस मंदिर को। तो कहीं ना कहीं नंदी जी जो दूध पी रहे हैं वो एक बड़ा सवाल बन करके आ गया है। यदि आपको लगता है नंदी जी वास्तविकता में दूध पी रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है कि नहीं पी रहे हैं, तब भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।